देखिए, मुझे पहली फिल्म मैंने जब की तो उसका नाम मैंने एक ड्रामेटिक कंपटीशन में मेरा एक प्ले लेकर गया। मैं नहीं जाना चाहता था कंपटीशन में, मगर वो लोग आ गए कॉम्पिटिटर्स, जागृति उसका नाम था, और उन्होंने मुझसे फोर्स किया कि आप अगर नहीं आएंगे तो बॉम्बे इंडिया का कोई कॉलेज उस कंपटीशन में नहीं आएगा, क्योंकि कादर खान का नाम जो है एक ट्रेडमार्क होता है। तो मैं गया उस कंपटीशन में, उस कंपटीशन में पैसे भी थे और मेरी तनख्वाह 300 रुपए थी, 300 350 रुपए थी, और उन्होंने जो है मुझे ये कहा कि इस कंपटीशन में इनाम भी है 1500 रुपए कैश। मैं खुश हुआ, मैंने ड्रामा पेश किया, और मुझे बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर सारे अवार्ड मिल गए और पूरे 1500 रुपए मेरे हाथ में आ गए। अब मैं दीवानावार क्या करता, बस। तो उस कंपटीशन में जजेज जो थे वो फिल्म लाइन के थे, मरहूम नरेंद्र बेदी और राजेंद्र सिंह बेदी उनके वालिद और कामनी कौशल जी, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिल्म लाइन में क्यों नहीं आते हो, ये जितने भी लोग हैं नाकारा से लोग वो फिल्म लाइन के राउंड लगाते रहते हैं, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिसको ये फन आता है तुम क्यों नहीं आते फिल्म। मैंने कहा मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जवानी दीवानी, मैं चाहता हूँ कि तुम वो फिल्म लिखो, उसके डायलॉग लिखो। मैंने कहा सर मुझे डायलॉग लिखना नहीं आते। कहा ये जो तुमने ड्रामे में लिखा है, ये जो बोल चाल है इसी को डायलॉग कहते हैं, मुझे पहली बार पता चला कि डायलॉग किसको कहते हैं। मैंने वो डायलॉग लिखे और एक महीने के बाद शूटिंग थी, वो मेरे डायलॉग उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने एक महीने के बाद की शूटिंग को 10 दिन के बाद ही रख दिया शूटिंग। अब मुझे उस फिल्म में भी 1500 रुपए मिले, 1500। मैं अभी 1500, इस दौरान क्या हुआ कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी था, वहाँ स्टूडेंट को मैं मुफ्त में ट्यूशन भी देता था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल मशीन, ड्राइंग सारा पढ़ाता था फ्री, जब भी वक्त मिलता लड़के मुझे पकड़ के ले जाते थे क्लास में, और मैं गया तो लड़के आए हुए थे, मुझसे वॉचमैन ने कहा कि कुछ लड़के आपसे मिलने आए हैं। मैं बाहर आके देखा, मैंने आरके स्टूडियो में तो देखा कि एक मेरे स्टूडेंट्स पूरा 150 का बैच ए बी सी 11th, उस जमाने में 11th स्टैंडर्ड में मैट्रिक होता था, तो वो सब खड़े थे और कहा कि सर आप नहीं आएंगे तो मुसीबत हो जाएगी, आप आइए ना प्लीज, आप पढ़ाएंगे नहीं तो कोई पढ़ाता नहीं है सर, आपके डर से दूसरे टीचर आके पढ़ा लेते थे मगर अब तो कोई भी नहीं आता, प्लीज। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मगर मैंने कहा देखो मैं यहाँ से रात को 11:30 बजे निकलता हूँ, अब मैं अगर पहुँचूंगा तो 12 बज जाएंगे, मुझे आते आते 12:30 बज जाएंगे, काम तो आपका वेट करेंगे। मैं उस रात मैंने मेरे पास एक स्कूटर थी लेम्बरेटा, उस पर पहुँचा मैं साउथ सिद्दीक पॉलीटेक्निक जहाँ मैं पढ़ाता था, मैंने देखा कि 150 लड़के एक हॉल में बैठे हुए हैं, सब कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसने आते ही मेरे एक लड़के ने मेरे सर पे बांह लगाया, एक ने पट्टी बांध दी और उसके बाद मुझे चाय पिलाई और कहा स्टार्ट सर, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको पढ़ाया, और इस तरीके से पूरे 3 महीने मैं उनको पढ़ाता रहा।
और मेरा पूरा बैच मालिक की कृपा से फर्स्ट क्लास में पास हुआ, फुल बैच। ये मैं सीन किसी फिल्म में डालूंगा, ये किसी फिल्म में आया नहीं आज तक। ये उस फिल्म के बाद ये मैं जिस दिन वो फिल्म कंप्लीट करके जा रहा था तो एक प्रोड्यूसर आया, वो जिसने खेल खेल में प्रोड्यूस की थी, वो आके बोला कि सर मेरी भी एक फिल्म आप लिख दीजिए, क्योंकि मेरा नाम फिल्म लाइन में हो गया था कि एक राइटर अच्छा है, लिखता तो अच्छा है मगर वो इतने अच्छे ढंग से वो बोलता है कि एक्टरों को तकलीफ होती है उसके डायलॉग नहीं अदा करने में। तो मैं पहुंचा, मुझे वो साहब ने एक लिफाफा दिया, लिफाफा थोड़ा मोटा था, मेरा ईमान डगमगाया, मैं कोने में गया, मैंने गिना, उसमें 20,000 रुपये थे, कहाँ 1500 रुपये, कहाँ 20,000 रुपये। और मैंने कहा हाँ मैं एक शर्त पे लिखूंगा कि जिस दिन मेरा काम कम्प्लीट होगा मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। इस तरह एक और बड़ी फिल्म में बीच में मिली, वो रफू चक्कर, ऋषि कपूर था उसमें, और उससे पहले वाली खेल खेल में थी। इसके बाद मनमोहन देसाई मिले, मनमोहन देसाई ने कहा कि तुम मियां भाई लोगों को लिखना नहीं आता है, तुम या तो शेर व शायरी करते हो या मुहावरे बयान करते हो, मुझे मुहावरे और शेर व शायरी नहीं चाहिए, मेरे डायलॉग चाहिए क्लैप ट्रैप, जिसपे क्लैप बजाए ऑडियंस, कर सकता है? मैंने कहा और अगर मैंने कर दिया तो बोले मैं तुझे गणपति की तरह सर पे बिठाऊंगा और नाचूंगा पूरे मोहल्ले में। मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया, उन्होंने मुझे क्लाइमेक्स लिखने को दिया था रोटी का, वो लिखा रात भर, और दूसरे दिन मैं उनके मोहल्ले में पहुंचा तो वो मोहल्ले में शाम को अपने घर के बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। मुझे देख के बोले कि ये बेवकूफ फिर आ गया है, शायद इसको लगता है मेरी कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा सर आपने मुझे गाली दी। कहता नहीं मैंने गाली नहीं दी। मैंने कहा मैं होंठ पढ़ सकता हूँ, लिप्स रीड कर सकता हूँ। हमने ये पैंतरा बाद में नसीब में यूज किया था कि हीरोइनें विलन्स को पढ़ लेती हैं, वो क्या प्लान बना रहे हैं, और इस तरीके से वो हीरोज को विलन्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मैंने उसको सुनाया एक बार मनमोहन देसाई को, वो दीवाना हो गया। उसने दोबारा सुनाया, तीसरी बार सुनाया, मैंने कहा एक बार और। उसने चौथी बार टेप रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने सुनाया उसको, और वो आदमी जो है दीवानों की तरह वो चिल्लाया और अंदर कमरे में गया, एक तोशीबा का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ला के दिया, कहा ये मेरी तरफ से इनाम है, और एक सोने का ब्रेसलेट ही मुझे दिया, बोला कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है तेरे लिए, ये तुमको अच्छा ये बता कि प्राइस क्या तेरी। मैंने कहा क्या की प्राइस, मैंने अभी ये फिल्म की है रफू चक्कर, उसमें 21,000 रुपये मुझे मैंने है। बोले मनमोहन देसाई का राइटर 21,000 रुपये, 1,21,000 रुपये मैं बैठे बिठाए 1,00,000 लखपति की लिस्ट में चला गया, और उन्होंने मुझे रातों रात फोन करके पूरे हिंदुस्तान को मेरा वाविला मचा दिया कि एक राइटर आया है, इसको बोलते हैं राइटिंग, तुम सीखो, ये क्लास खोले और तुम लोग सीखो। मुझे सलीम बिन जावेद ने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार किया उन्होंने, और मैं लिखता गया। उसके बाद तो फिल्मों की फिर इंतहा ही नहीं रही, इस कदर फिल्मों का काम किया कि 250 फिल्मों के डायलॉग और 450 फिल्मों की एक्टिंग, इन्हें टोटल 700 फिल्में होती हैं, ये मैंने मुकम्मल की, आपके सामने है। ये मेरे घुटने में चोट लगी थी न्यूयॉर्क में, तो वहाँ कुछ
पाकिस्तानी लेडीज थी, उन्होंने कहा कि ये शेर का मतलब जरा समझा दीजिए। मैं क्या करता था शाम में गालिब कादर खान के साथ, वो मुश्किल था, वो क्या था कि मैं अशार जो पढ़ता था वो उसको मतलब मैं समझाता था, और उसके बाद मैं 5 गजलें लेता था, और उसके बाद फिर मैं गाने वालों को दे देता था। वो जब गाते थे वो लोग, तो मैं ऑडियंस में घूम घूम के अशार का मतलब पूछता था। शेर था, परतवे खूर से शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। अब तक सिर्फ समझ में आता है, बाकी गालिब साहब क्या लिखते हैं वो गालिब साहब लिखें और गालिब साहब समझें। अब परतों का मतलब है रोशनी, खूर यानी खुर्शीद का शॉर्ट फॉर्म है, खुर्शीद माने सूरज, तो खुर्शीद की रोशनी, सूरज की रोशनी। एक शबनम का खतरा किसी पत्ते पे पड़ा हुआ था, उसने सोचा कि अगर ये सूरज की किरण मुझ में से गुजर जाए तो मैं भी चमक जाऊंगा, लोग मुझे मोती की तरह समझेंगे। उस रोशनी ने कहा कि मुझ में रोशनी ही नहीं है, मुझ में गर्मी भी है, तू भाप बन के उड़ जाएगा, तू फना हो जाएगा। परतवे खूर से है शबनम को फना की तालीम, उस सूरज की रोशनी ने शबनम के खतरे को फना होने की तालीम दी। कहता है कि मैं भी हूं एक आपकी इनायत नजर होने तक, यानी अगर आप भी मुझ पे एक नजर डालें तो मैं भी फना हो सकता हूं। आप परतवे खूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक, आप मुझ पे इनायत की नजर डालें तो मैं भी फना हो जाऊंगा। और इस तरह वो जो औरतें थीं उनको शेर पहली बार समझ में आया, और वो दीवाना वार मुझ पे लपकी, स्टेज पर आई, और स्टेज पर आके जहाँ मैं खड़ा था वो थोड़ा सा अंधेरा इलाका था, और मुझे ऐसा कुछ पुश किया उन्होंने, आके चिमट गई, और चिमट गई तो वो मैं 15 फुट की हाइट से नीचे गिर गया, वो मुझ पर वो गिरी, उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह 10 लेडीज़ में उस पर गिरी, और मैं घुटना मेरा जो है चीप भूल गया, और उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराना पड़ा। बस ये अल्लाह दे और बंदा सहे, ये मेहरबानी है आप लोगों की। सर मैं आजकल की फिल्मों के बारे में एक ही दो ही कमियां उसमें बताऊंगा, कि एक तो फिल्म देखते वक्त आंख में आंसू नहीं आते, जिस भी डायलॉग को सुनने के बाद फिल्म को देखते देखते अगर आपकी आंख में आंसू भर आए तो आप जीत गए। एक दूसरा, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है आ जानी चाहिए, ये दो कमियां हैं, और अगर ये दो कमियों को हमारे राइटर्स ठीक कर दें तो मेरा ख्याल इंडस्ट्री का बोलबाला हो जाएगा। हाँ, डायलॉग जो है उसमें एक कब्रिस्तान में आता हूँ मैं, तो छोटा अमिताभ और उसकी बहन एक कब्र के किनारे बैठे हुए रो रहे हैं। ये फकीर उनसे पूछता है किसकी कब्र पे रो रहे हो बच्चों? कहता हमारी माँ मर गई। कहता उठो, उठो मेरे साथ, यहाँ भी देखो चारों तरफ, यहाँ भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको छुटकारा है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है।
मगर एक फकीर की बात याद रखना, अगर सुख में मुस्कुराते हो तो दुख में कहे लगाओ। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और धोखा दे के चला जाता है एक तवायफ की तरह, मगर दुख तो अपना साथी है, एक बार आता है तो कभी लौट के नहीं जाता है। इसलिए दुख को ठोकर, सुख को ठोकर मार, दुख तेरे से कदमों में होगा और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। और यहां से अमिताभ बड़ा होता है और वो बाइक पे चला जा रहा है और यहां से फिल्म ने जो बिजनेस करना शुरू किया तो मुकद्दर का सिकंदर हो गया वो। मेरी लिखी हुई बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं औरों को नहीं बता पाता, जो मेरे दिल में छुपती हैं। और प्रकाश मेरा जो मेरा डायरेक्टर था, डायरेक्टर भी था राइटर भी था, वो रो पड़ा, कहता तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। बस वो दीवाना वार मेरे पीछे रो पड़ा और उसने मुझे गले लगा लिया, कहता ये डायलॉग मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा और इसको मैं टॉक ऑफ द टाउन बनाऊंगा, टॉक ऑफ द कंट्री बनाऊंगा ये डायलॉग। और उसके बाद ये पूरे मुल्क में जो है लोग इस डायलॉग को दोहराने लगे। जी मैं जो लोग गल्फ में जॉब के लिए जाते हैं, अब तो गल्फ में दुबई में शारजा में सऊदीया में या कुवैत में कहीं भी आप जॉब के लिए जाएं तो वो आपको अरबी बोलना कंपलसरी कर दिया उन्होंने, कंपलसरी हो गया है अरबी बोलना। तो हम इन्होंने 3 महीने का एक कोर्स बनाया है कि आप 3 महीने के रट लीजिए और वो 3 महीने का कोर्स आप कर लीजिए, उसके बाद आप जॉब के लायक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अपना लिखा हुआ जो बोला है आपने, आपको लिखना भी है, आपको अरबी पढ़नी भी है, तो उसके लिए 3 महीने एडिशनल है, वो 6 महीने का कोर्स हो जाता है। और 6 महीने में आप लिख भी सकते हैं अपना बोला हुआ। और अच्छा, उसके साथ मैंने कुरान पे भी काम किया है, कुरान अरबी हदीस, इस किताबों को पढ़ने से इनकी नॉलेज हासिल करने से लोग वहां पहुंच जाएंगे। ये किताबें आपको क्या बताती हैं, ये कहां तक आपको ले जा रही हैं? यू विल बी अ पैट्रियट, आप अपने वतन से प्यार करेंगे। वतन परस्ती किसको कहते हैं? अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी किसको कहते हैं? अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी किसको कहते हैं? कैनेडियन हैं तो कैनेडियन किसको कहते हैं? और अगर यूएसए के हैं तो यूएसए वाले, वो क्या उनका अधिकार है, क्या उनका फर्ज है, ये सब आपको पता चल जाएगा उस किताब के पढ़ने से। सिर्फ किताबें रटने से काम नहीं चलता है, वो इंशाल्लाह इस बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा। सर अभी अब पैसा बोलने लगा है, सिर्फ पैसा बोल रहा है। अब पहले फिल्में लोग बनाते थे तो वो चंद पैसों में बन जाती थी, चंद रुपयों में बन जाती थी। जैसे हमने अमर अकबरंतनी बनाई मनमोहन देसाई की, तो उन्होंने 1 करोड़ में बनाई पूरी पिक्चर, 1 करोड़ में। आज 1 करोड़ में फिल्म बनती नहीं, आज तो 1 करोड़ में उस पर लोबान जलता है, आज 1 करोड़ का तो उस पर सिर्फ उसकी आरती होती है। नो, क्योंकि क्या हुआ कि पैसे ने सरस्वती को
लक्ष्मी ने ओवरशैडो कर दिया। जहां सरस्वती, देखिए ना, अब लोग लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, दिवाली आती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की नहीं करते हैं। सरस्वती तालीम, इल्म, इल्म को अगर आप सर पे रखें और उसको अपने मन में उतारें तो वो आपका भला कर देगी एंड यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लोग हैं नहीं, लोगों ने इसको वो कर दिया है। एक फिल्म मेरी जो मैंने अमिताभ के साथ बनाने की कोशिश की थी, जाहिल, एक आदमी जो जिसने अपने घर बार को जलता हुआ देखा है, लोगों ने उसके घर को कैसे जला दिया, और वो सेडिस्ट हो जाता है, और वो किसी भी कार पे पतरा घसते हुए जो साउंड निकलता है उसको बहुत मजा आता है, ही एंजॉयज इट, ही बिकम सेडिस्ट, और अल्टीमेटली एक दिन वो नुकसान करते 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 वो देखता है कि उसने अपने घर का भी काफी नुकसान कर दिया, अपनी माँ, अपनी बहन, वो छोटी बहन जिसके लिए वो जीता था, उसके शौहर को उसने जेल में पहुंचा दिया, और वहां उस दिन से वो तोबा करता है। ये मैं पहले बनाऊंगा, देखूंगा। अभी अमिताभ एक स्टेज पे जो आदमी डायरेक्ट करता है, इसीलिए मैं स्टेज पे लोगों को लाना चाहता हूँ। जब आप स्टेज पे काम करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, आप कॉमेडी भी करेंगे, आप ट्रेजेडी भी करेंगे, आप विलन भी बनेंगे, आप हीरो भी बनेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो आपको इस तरीके से अपने अंदर कैरेक्टर को ढालना पड़ेगा, और जो भी करें आप सच्चाई से करें, वो सच्चाई जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने सच्चाई से काम किया तो उसका कोई तोड़ नहीं है। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ये एक स्टेज के डायरेक्टर का शेर था, कहता है मेरी आह जो है वो आसमान में जा रही है, रहम ऊपर से मालिक के दरवाजा खटखटाएगी, वहां से रहम लेकर आएगी। तो भाई मेरे बादलों जरा हट जाओ, मुझे रास्ता जाने दो, मेरी आह को जाने दो, और आह जाएगी और वहां से रहम लेकर आएगी। तो आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ये बहुत जरूरी है, आदमी जितना भी हो, मिलनसार हो, खाकसार हो, लोगों के लिए दिल में प्यार रखता हो और समाज को अपने घर का हिस्सा समझता हो, वो फिर उसने दुनिया जीत ली। हाँ, एक बायोग्राफी लिख रहे हैं जनाब फहीम रूहानी साहब, वो मुझ पर किताब लिख रहे हैं, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे तमाम बचपन से लेके इस उम्र तक जो मेरे साथ गुजरा है वो सब पूरा वाकयात, वो किताब पढ़ने का, जो वो बच्चे जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो राइटर बनना चाहते हैं, जो बहुत काम करना चाहते हैं जिंदगी में, उनके बहुत काम आएगी। इधर मैं यही कहूँगा कि मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह, मेरी तकदीर में अगर हुआ मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा, मैं आऊँगा आपकी खिदमत में, और वो सब जो कमियाँ हैं वो पूरी करूँगा, करने की कोशिश करूँगा, और अगर न कर सका
तो माफी मांग के चला जाऊंगा।